नमस्कार, मैं सारी धड़वे। दो पहिया वाहन चालकों के लिए अब ट्रैफिक पुलिस सतर्क हो चुकी है, क्योंकि वाहन चलाते समय कई लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते, जिस वजह से कई सारे सड़क दुर्घटनाएं होती है। अब वसई विरार में भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक अच्छी पहल की शुरुआत की गई है। हेलमेट पहनने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, वसई विरार में अब 1 सितंबर से चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है। एक सर्वे के मुताबिक सड़क दुर्घटना में सिर में चोट लगने से ही अधिकतर मौतें होती है। नाला सुपारा की कल की ही घटना है, जिसे कोई भूल नहीं सकता। एक 16 वर्षीय युवक स्कूटी चलाते समय टैंकर की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ऐसे में अगर चालक हेलमेट पहनता है तो उसके बचने की संभावना बढ़ जाती है। अधिकतर जगहों पर दो पहिया वाहन चलाते समय चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर चालकों के पास हेलमेट तो क्या, लाइसेंस भी नहीं रहता, जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। वसई विरार में आप ट्रैफिक पुलिस द्वारा जागरूक अभियान के चलते पेट्रोल पंप पर एक बैनर लगाया गया है, जिसमें लिखा है नो हेलमेट नो पेट्रोल। आइए जानते हैं इस पूरे विषय पर ट्रैफिक पुलिस निरीक्षक सागर इंगोले ने क्या कुछ कहा है। 1 तारीख से हेलमेट को लेकर क्या कुछ मिलने लगा? हेलमेट ऐसा देखो, लॉज में दिया है आप 2-व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहना ज़रूरी है, जैसे अपने कायदे में भी बोला है। हेलमेट की सख्ती हम नहीं कर रहे, हम जागृति लाना चाहते हैं लोगों में, जो कि कई दिनों से रोड एक्सीडेंट के प्रमाण में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। रोड एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं, विदाउट हेलमेट पहनने से एक्सीडेंट होने से 2-व्हीलर वालों की जान जा रही है। इस हिसाब से हमने लोगों में जागरूकता लाने के लिए इसके हिसाब से हमने हम उनका प्रबोधन किया है। 15 दिन हमने जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे हमने खाली बोर्ड लगाया है कि आप हेलमेट पहनो, 4-व्हीलर चलाते समय आप सीट बेल्ट पहनो। ये सब जो चीज़ें हैं जो कायदे में लिखी है, जो इसका पालन करना हर नागरिक का जो कर्तव्य है, लेकिन ये नहीं होता हुए दिख रहा है। इसलिए हमने ये सोचा है कि लोगों में जागरूकता लाए, लोगों की जान बचे, इस हिसाब से हम 15 दिन नहीं 1 महीना और इसको मोटिवेट करेंगे लोगों को हेलमेट पहनने के लिए, और फिर उसके बाद में अगर नहीं होता है तो हम कार्रवाई चालू कर देंगे।